हेलो फ्रेंड्स, मैं नील कवर फिर आ गई आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। इसमें मैं नए लेटेस्ट पैटर्न में जो मार्केट में मास्क अवेलेबल है और उसको हम घर पर ही किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये मास्क हमारा पार्टी वेयर रहने वाला है। जैसे कपड़े फैशन लेटेस्ट चलते हैं, उसी तरह से आजकल ड्रेस के अकॉर्डिंग हमारे मास्क पहनने का ट्रेंड चला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क का इंटरेस्टिंग सा पिंक कलर का कपड़ा लिया है और उसको डबल रख कर उस पर ही जो हमारा मास्क लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में उसको रख कर उसके शेप के अनुसार इस कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, इस तरीके से इसका ड्रॉ करेंगे और कैंची से इसको अच्छा सा शेप देकर कटिंग कर लेंगे उस मास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से फिनिशिंग से उसको कट करेंगे। मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है क्योंकि जिसका ड्रेस मटेरियल है वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इस मास्क को वेयर करने वाली है। तो इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे ये कपड़ा लेकर इसकी कटिंग करी है। तो आप भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस का मटेरियल का जो कपड़ा होता है उससे आप ऐसे ही मैचिंग का मास्क बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो दो पीस कट कर लिए हैं। यहाँ पे सेम इसी शेप में चार पैटर्न हमारे कट के तैयार होंगे, चार पीस कट करेंगे। तो इस तरीके से दो इसके हो गए एम्ब्रॉयडरी वर्क के, और दो मैंने यहाँ पे अस्तर के लिए अंदर का जो है वो मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, और फिर उसी शेप को इसके ऊपर रखते हुए जो हमने कट किया है उस अस्तर के ऊपर रखते हुए उस कपड़े को हम कट कर लेंगे उसी शेप में। तो इस तरीके से हमारे लगभग चार पार्ट्स हमारे पास हो चुके हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, सीधा रखते हुए हम इसकी शेप पर सिलाई लगाएंगे जो राउंड शेप है। तो देखो ये हमारे चारों फिनिशिंग से कट चुके हैं। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला है इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए राउंड सर्कल में जो सिलाई है इसके ऊपर हम यहाँ पे कटिंग करे हुए राउंड शेप पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो अस्तर वाला है कट किया था उसी के भी सर्कल में ऐसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स को सिलने के बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे पार्ट्स को सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए, सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए इन दोनों की सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। तो देखो सिलाई का जो था हिस्सा उसी को एक दूसरे के कॉर्नर पर रखते हुए इसको स्ट्रेच कर लेंगे। देखिए ये सिलाई एक दूसरे से बिल्कुल कॉर्नर में मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा कॉर्नर बनाऊँगी। कोना बनाने के बाद इसको, इसमें क्या कुंदन है तो ये कुंदन हटा रही हूँ मैं। देखो इस तरीके से इसको स्टॉप करके इस सिलाई को वापस इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो एक तरफ सिलाई हो गई और उसका दूसरा साइड हम ओपन रखेंगे। जो साइड का ये छोटा सा हिस्सा है इससे हम इस कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने इसको ओपन रखा है। तो हम दूसरे पार्ट पे इस पर सिलाई करेंगे। तो इसके भी देखिए आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, तो जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है उस तरीके से आप एक के बाद एक सिलाई लगा ले। और ये मास्क 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं जेंट्स के वेयर के लिए भी एक अच्छा सा मास्क का डिज़ाइन लेके आई हूँ और उसको भी स्टिचिंग करना इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से ये सिलने के बाद हम इसको पहले अंदर से सीधा कर लेंगे, जिधर से पार्ट्स ओपन था ना उसी से कपड़े को निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके का लुक आ गया, बहुत ही यूनिक सा और सुंदर सा मास्क हमारा बनकर तैयार होने वाला है। अब हम इसमें वाइट कलर की लास्टिक यूज़ करेंगे। तो वाइट कलर की लास्टिक में मैं यहाँ पे लूँगी 6 से 6.5 इंच की लास्टिक के टू पार्ट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पे टू पार्ट्स मैंने कट कर लिए हैं। अब इसका गोल सर्कल बनाएंगे। तो इसको सर्कल बनाकर लास्टिक को और इस मास्क पर अटैच करना भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मास्क हमारे लिए बहुत ही यूनिक बनने वाला है और बहुत ही सुंदर भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप घर पर ही कोई भी इंटरेस्टिंग एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क लेकर पार्टी वेयर मास्क बना सकते हैं। कोरोना काल में मास्क पहनना काफ़ी कंपल्सरी हो गया है और हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो ऐसे ही आप घर पर अच्छे अच्छे क्लॉथ्स के कपड़े, डिजाइनर कपड़े लेकर आप ऐसे ही सुंदर सुंदर मास्क बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो देखो ये टू पार्ट्स मैंने कट करे थे उसका ये गोल सर्कल बना लिया है मैंने। अब इस मास्क पर देखो इस जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखते हुए और इस कपड़े को एक फोल्ड करेंगे बारीक सा, हल्का सा दबाते हुए दो फोल्ड इस तरीके से करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसके देखो इस कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये मास्क क्या है, मैंने रेडीमेड मास्क का ही नाप लिया था इसको बिना नाप चोक के, बस इंची टेप मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ये जो लास्टिक है इसको 6.5 इंच इंची टेप से नाप कर हम इसका मास्क का
बस वही नाप होती है और सब इसका अंदाजे से ही सिल लेते हैं। तो आप इस तरीके से मार्केट का कोई भी शेप जो आपको पसंद हो उस शेप का घर पर ही बिना नाप के बिना झंझट के आप फटाफट 10 मिनट में एक अच्छा सा मास्क बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा मास्क लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कैसा लग रहा है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए ये एक मास्क बन गया। अब मैं इसी वीडियो में आपको दूसरा मास्क बनाना भी सिखा रही हूँ। इसमें मैं हल्का सा कपड़े को तिकुना, हल्का सा उसमें थोड़ा गोल था और इसमें हल्का सा तिकुना बिल्कुल कोना निकाल कर बनाना सिखा रही हूँ। इसका थोड़ा अलग शेप वाला है और आगे की तरफ जो जेंट्स के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा लंबा, आगे की तरफ जो मैंने सिलाई है वो थोड़ा सा लंबा लिया है। तो इसका बनने के बाद कुछ थोड़ा सा मैंने शेप की कटिंग में हल्का सा चेंज किया है, तो इसका देखना बनने के बाद अलग ही लुक आने वाला है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए ये मेरा कटिंग हो चुका है। इसका अस्तर के लिए मैंने ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा लिया है, मैचिंग कंट्रास्ट में लिया है, ये भी कॉटन है। और मास्क बनाने के लिए पहले कपड़े को धोकर अच्छे से फिनिशिंग से फिर इसकी कटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा ही ले। यहाँ पे मैंने जो लेडीज़ के लिए बनाया था वो मैंने पार्टी वियर लहंगे पे पहनने के लिए बनाया था, तो इसलिए वो एम्ब्रॉयडरी वाला था, लेकिन मैंने अंदर की तरफ अस्तर सॉफ्ट कपड़े का ही लिया था, तो इसको पहनने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए इस तरीके से अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा हो, धुला हुआ हो, उसको प्रेस करके इस तरीके से शेप को कटिंग करते हुए आप घर पर ही इलास्टिक लाकर अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर मास्क बना सकते हैं। मास्क भी हमारी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट हो चुका है, इसको पहने बिना हम ना कहीं जा सकते ना ही कहीं आ सकते। इसका मतलब मास्क पहनना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आप घर पर ही इस तरीके से अच्छे अच्छे मास्क बनाकर पहन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट सिल चुके हैं। अब जो सीधे का हिस्सा है उसी कपड़े के सीधे के हिस्से के ऊपर सीधा हिस्सा रखते हुए जहाँ पे सिलाई है उन दोनों को आपस में बराबर पकड़ते हुए इस आगे के हिस्से से जो ओपन रखना है हमें उससे सिलते हुए इसके सिलाई तक जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर हल्का, इसको मैंने थोड़ा तिकोना शेप दिया है तो थोड़ा कोना बनाते हुए इसको इस तरीके से मशीन से सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस तरीके से जिस पार्ट्स को हमने ओपन रखा था उससे कपड़े को निकालते हुए हम इसको मास्क को सीधा कर लेंगे। देखिए इसका थोड़ा अलग शेप बना है, तो इस तरीके से कटिंग में ही थोड़ा चेंज कर कर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके बता रहा हूँ। इसके ऊपर की तरफ भी यहाँ पर मैंने एक बारीक सी कॉर्नर पर सिलाई लगा रही हूँ, इससे इसका थोड़ा और भी डिफरेंट लुक आने वाला है। तो देखो इसको बिल्कुल कॉर्नर पर दोनों पार्ट्स के यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से बिल्कुल कॉर्नर पर इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इलास्टिक अटैच करना बताऊँगी। तो इलास्टिक भी मैंने यहाँ पे वही 6.5 इंच के 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं, ठीक है। 6 से 6.5 इंच ले लेंगे यहाँ पर 2 पार्ट्स। यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक के साथ कंट्रास्ट। ये आपको मार्केट में हर जगह सिलाई की कोई भी शॉप होती है उस पर ये आसानी से मिल जाता है इलास्टिक, और आप लाकर घर पर ही अच्छे अच्छे मास्क बना सकते हैं। देखो इलास्टिक लगने के बाद ये मास्क का इस तरीके का लुक आने वाला है। ये देखो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मास्क मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय।